इस वीडियो के प्रायोजक करता है RETube एप्लीकेशन। झूठ से बचना है तो सच देखने की आदत डालो। दोस्तों, मन्नतवाद जो है हिंदुओं के ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। मन्नतवाद इन हिंदुओं की आँखों को फोड़ चुका है, इनको इतना अंधा कर चुका है कि इनकी आँखों के सामने इनकी खुद की इज्जत रोंदे बाबा, इनकी बेटियों की इज्जत रोंदे, उनको छेड़ ले, परेशान कर ले, गंदे भद्दे कमेंट्स कर ले, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको चाहिए सिर्फ दो पैसे ज़्यादा की नौकरी, अच्छी सी लड़की से शादी, या बेटी के लिए अच्छा सा पति, और उसके लिए कृपा बाबा की, और वो बाबा जी चाहे कोई भी क्यों ना हो। आए दिन कितने केस हो रहे हैं, प्रत्येक वो मन्नत पूरी करने के नाम पे विभूति भभूति मंत्र झाड़ फूंक देने वाला बाबा आए दिन फंस रहा है, आए दिन मंत्र बताने वाले बाबा फंस रहे हैं। लेकिन हमारे हिंदू पौराणिक मूर्ति पूजक घोर पातक धर्म के, इनको शर्म नहीं आ रही और समझ नहीं आ रहा है कि जिन बाबाओं के पास हम जाकर के बैठते हैं, ये हमको अच्छे दिन देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे घर में बैठी हुई बहन बेटी के माध्यम से अपने अच्छे दिन लाने की फिराक में रहते हैं। और दोगलेपन और धूर्तता की पराकाष्ठा तब होती है जब कोई मुसलमान कोई बाबा महाराज बन जाता है, ज्योतिषाचार्य बन जाता है, तुम्हारे हाथ की हथेली की लकीरें पढ़ के तुमको तुम्हारा भविष्य बताने का छल करता है, कपट करता है, और तुम अपनी इज्जत दे के वहाँ आते हो और अपनी बेटियों को वहाँ लेके जाते हो। पूरा रिकॉर्ड अगर निकालो, आसाराम का निकाल लो, राम रहीम का निकाल लो, या दाती महाराज का निकाल लो, रामपाल का निकाल लो, या फिर अब आशु भाई महाराज का केस निकाल लो। शम्स ताहिर आज तक का पत्तलकार है। बहुत जल्दी थी, उन्होंने सोचा कि भाई बिना किसी जांच पड़ताल के फटाफट फटाफट एक लंबा सा आर्टिकल लिख दूं, कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुओं को बदनाम करने में कहीं कोई देरी हो जाए। शब्दों का चयन देखिए, ज्योतिषाचार्य, महाराज, बाबा, फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा। लेकिन बंदे ने एक बार भी नहीं बताया कि बंदे का नाम जो है वो वही है जो तेरा है, वो आसिफ जो अब से तकरीबन 18 साल पहले झुग्गी झोपड़ियों में मक्खियां मारा करता था, जिसके खाने के लाले थे, हिंदुओं ने अपनी मन्नतवाद के चक्कर में उसे कूट कूट के उसके घर में नोट भर दिए। उसका बेटा, वो खुद, उसके दोस्त एक एक हिंदू औरत के ऊपर बलात्कार कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, स्त्री मुंह नहीं खोल रही है। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या अज्ञान है तुम लोगों के अंदर, जब तुम्हारी बेटी को छेड़ा गया तब जाकर के तुम्हारा जमीर जागा और तुमने फिर हो हल्ला मचाया, फिर तुम कह रहे हो हमारे साथ में बलात्कार हुआ। ये बलात्कार है? मैं यहाँ पर किसी हिंदू महिला को बचाने के लिए नहीं आया हूँ, इनका कटना लाजमी है। और जो कमज़ोर होता है वो कटता है हमेशा, और हिंदू अपने मन्नतवाद के चक्कर में इतना ज़्यादा धर्मांध, इतना ज़्यादा पाखंडवाद में, इतना ज़्यादा अंधविश्वास में घुस चुका है, घिर चुका है, कि अब उसे आसिफ और आंसू में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। अब उसके तन को, यदि वो बैड टच जो बच्चों को सिखाते हैं, यदि उसके तन को किया जाए तो उसको समझ नहीं आता, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको क्या चाहिए। उसको चाहिए अपने पति का अच्छा व्यवहार, लेकिन उसके बदले उसको प्यार नहीं देगी, वो चूर्ण देगी जो बाबा ने पकड़ाया है। उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढने के लिए समाज में नहीं निकलेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, वो चूर्ण खिलाएंगे उस लड़के को जो बाबा ने दिया है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए बच्चे को ये नहीं कहेंगे कि तू टीवी छोड़, क्रिकेट छोड़, पहले पढ़ ना, बाबा ने जो ताबीज़ दिया है वो बाजू बांधेंगे, गले में टांगेंगे, गजब। और यदि हम यहाँ से समझाने की दो बात कह दें तो हम तो नास्तिक हैं, आर्य समाज तो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान तुम्हारे लिए वो है जो सिर्फ पत्थर की मूर्त में है, मेरे लिए भगवान वो है जो मेरे धर्म का है, जो मुझे वेदों ने रास्ता बताया है,
जो मुझे किसी पाखंडी पंडित ने नहीं बताया है। मेरे गुरुकुल में मुझसे एक पैसा भी नहीं लिया गया, बल्कि वहाँ पर मुझे 5-स्टार फैसिलिटीज़ में वेदाध्यन कराया गया, दर्शनाध्यन कराया गया, लेकिन मुझसे कभी एक पैसा नहीं लिया गया। ऐसे मेरे आचार्य जिनको आप योग ऋषि के नाम से जानते, योग ऋषि स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, उनके गुरुकुल में कोई पैसा नहीं लिया जाता। उसको कहते हैं धार्मिक कार्य। धर्म वो नहीं कि आपको मंदिर में बुला लिया और वहाँ आपसे हजारों रुपए हड़ रहे हैं, आपकी बहन बेटियों को भी बुरी नज़र से देख रहे हैं, आपकी चप्पल ही चोरी हो जा रही हैं और फिर भी आपकी मन्नतें पूरी नहीं हो रही हैं। इसमें किसी शम्स ताहिर की गलती नहीं, इसमें किसी आसिफ खान की गलती नहीं, इसमें किसी आंसू बाबा की गलती नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ यदि गलती है तो वो हिंदू महिलाओं की है, हिंदू पुरुषों की है, जिनको मन्नतवाद अंदर तक इतनी गहराई तक घुस चुका है कि जिसको निकालना किसी के भी वश की बात नहीं है। ये शम्स ताहिर जैसे पत्तलकार, उनको तो पता है कि इनको बदनाम किया जाना बड़ा ही आसान है। और मैं देख रहा था कि जब डिबेट्स चल रहे थे, जब तलक आशु महाराज था, ज्योतिषाचार्य था, वो एक हिंदू था, तो सब उसके ऊपर चील कौवर गिद्धों की तरह टूट रहे थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद सबको पता पड़ा, जैसे उसका वोटर आईडी कार्ड सामने आया, जैसे उसका असली नाम सामने आया, और जैसे ही पुलिस की जो तहकीकात थी वो सामने आई, और जब पता लगा कि वो आसिफ है, 18-20 साल पहले वो मक्खी मारा करता था, ऐसे नमाज पढ़ा करता था, वैसे ही सारे के सारे चील कौवे गिद्ध भेड़िए और जितने भी कुत्ते थे डिबेट्स में बैठे हुए, सब ऐसे हो गए। तो मेरे भाइयों, बातों को समझो, इस मन्नतवाद को पीछे हटाओ, कर्म करो, कर्म कार्य ही तुम्हारी पूजा है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा। इसी तरीके से मन्नतवाद में अपनी बहन बेटियों को परोसते रहो, थाली में ऐसे ले जाओ और पहली परोस दिया करो, बाद में वो छेड़ने वेड़ने के ऊपर भी फिर केस क्यों करना। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि आपको नॉलेजफुल लगे और लगे कि हाँ ये हमारी और हमारे पौराणिक जितने भी पाखंडवाद में घुसे हुए हिंदू हैं उनको थोड़ी भी शर्म है, तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।